हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट इस सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट सेटिंग जो है ना काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा ये हॉटस्पॉट एंड थिएटरिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा वाईफाई हॉटस्पॉट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा वन टाइम मोबाइल डेटा लिमिट का, ठीक है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहां पर ये पेज ओपन हो जाएगा ना, इस पेज में आपका पहले से अनलिमिटेड के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा। आप इसमें चाहे तो अनलिमिटेड से यहां से हटाकर, ठीक है, अनलिमिटेड से हटाकर आप इसे दूसरे ऑप्शन पे टिक मार्क लगा लीजिए। जैसे मैं इसे 100 MB पे यहां पे टिक मार्क लगा लेता हूं, ठीक है। अब ये 100 MB पे टिक मार्क लगा लिया है तो अब ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे, ठीक है, ऑन करेंगे और अगर आप अपने हॉटस्पॉट को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ अपने हॉटस्पॉट को शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा इस सिचुएशन में कि आपका जो फ्रेंड है ना, आपके हॉटस्पॉट का जो डेटा है, मतलब आपके जो इंटरनेट डेटा है आपके फ़ोन से, सिर्फ वो जो है 100 MB तक यूज़ कर पाएगा, 100 MB तक यूज़ कर पाएगा, उसके बाद उसका फ़ोन में जो है ना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। 100 MB तक यूज़ कर पाएगा, उसके बाद नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे फ़ोन में जो है काफ़ी ज़्यादा 2 GB या 1.5 GB या फिर कुछ भी 3 GB जो भी GB होता है उसका जो है सिर्फ इतना हिस्सा ही 100 MB का यूज़ कर पाएगा आपके हॉटस्पॉट के ज़रिए, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अनलिमिटेड के ऑप्शन पर टिक मार्क लगाएंगे ना, अनलिमिटेड के ऑप्शन पर, तो क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड है ना, आपका जो है ना, जब तक डेटा ख़त्म नहीं हो जाता ना आपके मोबाइल का, तब तक वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग मैंने आपको बता दी, सेटिंग किस तरीके से काम करती है आपके फ़ोन में।